आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। खैरा मुख्य मार्ग के सिंगारपुर गांव के समीप शुक्रवार की देर शाम अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन पटना ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान शहर के मघीसौड़ी मोहल्ला निवासी स्वर्गीय मोहम्मद इस्लाम के पुत्र मोहम्मद अरमान खान और भछियार मोहल्ला निवासी मनीर अंसारी के पुत्र मोहम्मद शाहिद के रूप में हुई है, जबकि घायल खैरा बाजार निवासी धनेसर मोदी के पुत्र शंकर मोदी बताया जाता है। बता दें कि तीनों युवक शहर के आजाद नगर मोहल्ला स्थित एक दुकान में इलेक्ट्रिक मिस्त्री का काम करते हैं। बाइक पे सवार होकर तीनों युवक एक्वा गार्ड मशीन बनाने के लिए खैरा गए हुए थे, जहां से मशीन बनाकर बाइक से लौटने के दौरान सिंगारपुर गांव के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जब तक उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया जाता, तब तक उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में पटना रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। खैरा से तीन एक्सीडेंटल केस आए थे, जिसमें दो ब्रॉडेड था, एक की स्थिति काफी गंभीर थी, उसकी स्थिति इमरजेंसी इलाज करने के बाद उसको बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। अच्छा, मौत कितने लोगों को हुई थी? दो की मौत हो चुकी थी। दो की मौत। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर देवेंद्र कुमार, सदर हॉस्पिटल। ये फ्रिज मिस्त्री है और ये सोना जा रहा था फ्रिज बनाने के लिए, जिसके कारण उधर से फ्रिज बनाकर वापस आ रहे थे, जिसमें दो आदमी थे और एक आदमी और थे साथ में, तीन आदमी, जो कि एक ट्रक वाले ने घटना मारा। अच्छा, तो कितने लोगों की मौत हुई है? दो लोगों के घटना स्थल पर ही मौत हो गई, ट्रक बहुत ही ज्यादा स्पीड में था, इसके कारण से जो है मतलब घटने पर ही मौत हो गई। और एक लोग, एक पटना रेफर किया गया उसको। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान खान, कौमी इत्तेहाद मोर्चा जिला अध्यक्ष।